हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमैटिक तुषार। आज हम लोग तामिनी घाट में जा रहे हैं, तो अभी तामिनी घाट के पहले पॉइंट पे आ चुके हैं। ये अभी सीक्रेट पॉइंट के सामने खड़े हैं। ये सीक्रेट पॉइंट है, ये सनसवाड़ी से जाने का रास्ता है, वो सीक्रेट पॉइंट का। अभी तामिनी घाट में हम कुडली का वेली लास्ट जाने वाले हैं, वो यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर है। अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आज मेरे साथ मेरे साले साहब आ रहे हैं, इनका नाम राम नलावड़े, वो मेरे साथ आ रहे हैं। तो अभी हम आगे जाके आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी हम जो तामिनी घाट में पहला व्यू पॉइंट है वहाँ पर आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं व्यू पॉइंट, ये पूरी वेली है। इसको मराठी में दरी कहते हैं, खाई जो हिंदी में कहते हैं। वो वहाँ नीचे रास्ता दिख रहा है, वहाँ से ऐसे पूरा घूम के आए ऊपर। अभी यहाँ से आगे रास्ता जाता है जो पुणे और कुडली का वेली जाता है आगे, तो अभी आगे जाने वाले हैं।
ये आप देख सकते हैं नीचे पूरा ग्राउंड लेवल का व्यू। अभी तो इसके और ऊपर जाना है, चलिए आगे चलते हैं। अभी नहीं पता, पर आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये तामिनी घाट के ऊपर ही है, रास्ते में ही है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर आप आ सकते हैं। ये रास्ते में है तामिनी घाट के ही मेन रोड पर। फ्रेंड्स, अभी हम तामिनी घाट में जो अपना मिल्की बार वाटरफॉल और प्लस वैली जाने का जो ट्रैक है वो यहाँ डोंगरवाड़ी जो गांव है यहाँ से पड़ता है। ये डोंगरवाड़ी गांव का बोर्ड लगा हुआ है और ये टाटा पावर का बोर्ड है। यहाँ से जस्ट ये पहले ऑफिस आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहाँ से ये पार्किंग एरिया है। यहाँ से आगे जाके नीचे जाना है, यहाँ पे ही नीचे प्लस वैली और यहाँ पे नीचे अपना मिल्की बार वाटरफॉल है। एक रास्ता यहाँ से जाता है और एक रास्ता वहाँ सामने से भी है, उस तरफ सामने से भी एक रास्ता है और आगे कुडली का वैली है। अभी हम कुडली का वैली जा रहे हैं, तो अभी आगे कुडली का वैली जाके वहाँ पे दिखाता हूँ। अभी वहाँ से सामने से पहले दूसरा रास्ता दिखाता हूँ, वहाँ से भी एक रास्ता जाता है, तो आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम ये जो प्लस वैली का एंट्रेंस है जो दूसरे साइड से वहाँ पर आए हैं, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से बंद कर दिया है रास्ता। और ये जो प्लस वैली है ये सामने, ये पूरा नीचे प्लस वैली है, यहाँ पे नीचे प्लस वैली वाटरफॉल है और यहाँ पे ऊपर मिल्की बार वाटरफॉल है और प्लस वैली के एग्जैक्ट नीचे देवकुंड वाटरफॉल है। यहाँ से भी रास्ता था पर अभी वो शायद नहीं जाते हैं लोग, बंद कर दिया है। सामने से जो रास्ता है जो कल हम आए थे वो सामने से रास्ता है और नीचे एग्जिट प्लस वैली वाटरफॉल है। हाय फ्रेंड्स, अभी हम ये जो तामिनी घाट का जो रोड है वहाँ से कुडली का वैली की तरफ अंदर टर्न लिया है। ये यहाँ पे कहीं पे कुडली का वैली का बोर्ड नहीं लगा है, वो आपको या तो लोकेशन डाल के यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बोर्ड तो ऐसा बड़ा दिख नहीं रहा है, बस ये यहाँ पर
ये एक बोर्ड है, जो आप पुणे की तरफ से आते हो तो आपको ये बोर्ड दिखेगा, ये अंधारबन नेचुरल ट्रेल। ये पुणे से आते हुए राइट तरफ मुड़ना है, राइट की तरफ मुड़ना है, और अगर आप ये मानगांव की तरफ से आते हो विले की तरफ से तो लेफ्ट है। और यहाँ पे ये किले कैलाशगढ़ का बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये जो अंधारबन नेचुरल ट्रेल है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, वहाँ पे आपको कुल्ली का विले आएगा। तो अभी आगे चलते हैं। ओके हाय फ्रेंड्स, अभी अभी हम जस्ट ये कुल्ली का वैली पहुंचे हैं। ये आप मेरे पीछे पूरा व्यू देख सकते हैं। अभी हम जो व्यू पॉइंट है वहां नीचे की तरफ है, अभी वहां जा रहे हैं। चलिए अब आपको आगे लेके चलता हूं। यहां पे फॉरेस्ट वाले टिकट चार्ज करते हैं 140 पर पर्सन। अभी हम तो गांव वाले हैं, हम तो पहचान दे के फ्री में आ गए हैं, पर आपको फ्री में नहीं आने देंगे। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता है, आपको कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए कैश लेके आना पड़ेगा। अभी देखते हैं व्यू पॉइंट कहाँ पर है। हाय फ्रेंड्स, अभी अभी हम ये जस्ट कुडली का वैली देख लिया है, अभी थोड़ा बहुत शूट करके अभी हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो हमारा व्लॉग अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।